अरे नो एंट्री यार। या तो इसके बाल या तो मैं। गाली सुन नहीं तूने मेरे मुंह से? चल नो एंट्री सर, नो एंट्री। अब डांटो मत बेचारे को। उसको भी ले ले। रो रहा है ओ, पागल हो गया क्या? अभी चुप करो। हाई गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज AVS मेरे कॉलेज में आने वाला है और ये है मेरे कुछ दोस्त। हाई करो। हाई। ओ ओ मैडम। शर्मीले कहाँ जा रहे हो? गाइज ये बहुत ज्यादा शर्मीला है, ठीक है? शर्मीली है, ठीक है? तो AVS आएगा और उसके साथ व्लॉग अपना यहीं पे शूट कर रहे हैं और फिर आपको आगे दिखाती हूँ कि क्या हरकतें करते हैं हम लोग। कहाँ जाना सर? अरे जाना कहाँ? अब मिलने जाना भैया। किससे मिलने जाना? वो लड़की देखो तो पीछे। अरे लड़की छोड़ो, किससे मिलने जाना? अरे नो एंट्री यार, नो एंट्री सर, नो एंट्री। इसको लेने आया हूँ मैं। बात नहीं, मैं बाहर चले जाती हूँ। अब डांटो मत बेचारे को, पहली बार आया है। अब बोले हमको कि मिलना चाहते हैं, बाहर मिल रहा हूँ ना, इसको कॉलेज में नहीं मिल सकते हैं। चलिए हाँ सॉरी, अब बाहर चलिए। नहीं है, जो कॉलेज के बंदे होंगे सब उन्हीं के। अच्छा गाइस, अभी गार्ड से बिना पूछे ये आ गया और इसने पूछा नहीं और बस घुसा जा रहा था। अब तो इसको देखना चाहिए था ना, गार्ड्स खड़े हैं या कोई भी खड़ा आसपास, पर इसने देखा नहीं और उसने उसको सुना दिया और वहाँ जाके कोने में जाके मेरे से रूठ के बैठ गया। अब इसके पास जाते हैं, देखते हैं इसकी हरकतें है। अभी चुप कर जा यार, तू पागल है? रो रहा है? ओ पागल हो गया क्या? इनको बोलूं कि इधर आए, ये लड़का रो रहा है? बोलूं? अच्छा लगता है वो, उनको बोलूंगी चार लड़के और वहाँ खड़े तेरे को रोते हुए देखेंगे। तेरी वजह से आया था ना यार। अरे चुप कर जा प्लीज, प्लीज यार, मेरे को कोई ऐसा बोल, मेरा भाई है ना, चुप कर जा। मेरा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। रहने दे, मेरा दिमाग सच में खराब हो गया। तू पागल है क्या? चुप हो जा। वो डांट दिए इस तरीके से, मतलब सोचना। मैं तो खुद एक और चाटा मार दूंगी। चुप हो जा, चल चुप हो जा, ड्रामे मत कर, चल मेरे साथ। कुछ बोला बता, मैं तेरे लिए जा रहा था। अरे तो उनको नहीं पता ना तू कौन है, वो ऐसे एंट्री नहीं देंगे ना किसी को बिना पूछे। तूने खुद ना बोले थे कि तू आज ही हो, कुछ नहीं होगा। मैं आ रहा था, बता। तू गेट पे आके फोन कर देता ना मुझे। तू, तेरी भी ये गलती है, तू बिना पूछे घुस रहा था। रिक्शे में बैठा था, तेरे को कॉल किया था। चल चल चल, रो मत, चल चल, ड्रामे मत करके दिखा। जाऊंगा नहीं, तू जा। इंग्लिश खेलूं तेरे साथ जैसे सिमी खेलती है? चल नहीं यार, नहीं जाना, तू जा। ए चाटा खाएगा? ना जा, तू गया। एक तो तू गया, देखो एक तो मार रही है, वाह गया बदतमीज कहीं मार रही है, और ऊपर से देखो मारी जा रही है। मैं, मेरे भाई दिल पे लगी बात है, ये मारी जा रही है। मैं तो बात नहीं, अबे तो मैं कपड़े बाहर दूंगी तेरे। छोड़ पहले हाथ, छोड़। नहीं छोड़ूंगी, चल नहीं छोड़ेगी, तू नहीं जाऊंगा। चल तेरे को कुछ खिलाते। अरे मैंने नहीं गिराया तेरे को, खुद गिरा दूं भाई। इसके कॉलेज ना हाथ जोड़ रहा हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा मैं। ये देखिए सोच रही हो क्या रहा है यहां पे, पता नहीं ये रो रहा था, पता है ये रो रहा था। इसको मैंने चुप करवाया। किसी को बोल देंगे ना तुम्हें, अगर कोई ऐसे अंकल आके बोल देते तुम तो दो दिन तक डिप्रेशन में रहती। भाई किस तरीके से बोले वो तो देख ले अंकल ने। अच्छा मैं सॉरी बोलती हूँ अंकल की तरफ से। तूने बोली ना कि आज यो कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इसका गुस्सा ठंडा करने के लिए हम इसको यहाँ के स्पेशल मोमोज खिलाने लेकर आए हैं। ये आ गए हमारे प्यारे मोमोज और ये है हमारा लाला। भैया की शॉप का नाम है मोमो लाला। मोमोज खाओ और अपना गुस्सा छूट दो। और गाइस यहाँ पे मेरी एक दोस्त भी है, लेकिन उसको कैमरे से बहुत शर्माती है इसलिए मैं उसको ले नहीं रही, पर वो बहुत सुंदर है। बस मैं इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत सुंदर है। ये पीछे से एक झलक दे देती है आपको, शक्ल नहीं दिखाऊंगी हम लोग कॉलेज से बाहर निकल चुके हैं स्कूटी लेके और मेरे पीछे बैठे दो महाशय, एक मेरी दोस्त है। AVS को जरा सी भी शर्म नहीं है कि मैं कभी स्कूटी चला लूं। है शर्म तेरे को? बस शुभ शुभ नहीं ही बोलना। इसकी हरकतें ऐसी है ना, मेरे को पिटवाना है इसको, मेरे को मरवाना है, ऐसी हरकत है इसकी। गाइस आज ऐसा हुआ ना कि ये रोने लग गया। मेरे को ना लगा मजाक कर रहा है, बट सच्ची में पहली बार मैंने इसकी आंखों से आंसू आते हुए देखे तो मुझे बुरा लगा। अंकल ने ना इसको सबके सामने डांट दिया। AVS मेरी गाली सुन नहीं तूने मेरे मुंह से? ऐसे मत कर, स्कूटी चला रही हूँ, झटके मत दे एकदम से मेरे को। पागल, वो डिसबैलेंस हो कर देगी। हाँ चुप रह तू, पिटेगा AVS। मेरे को अपने घर जाना है, सही दोस्त करना है अभी। हाँ खाने पीने। हाँ तू नल्ला है, नल्ला कहीं के बस। हाँ स्टोर से दवाई लेनी थी, वो कैप्सूल्स वो तो मैं सुन ना, मेरे पास पड़ी है ना एक, मैं डब्बी ले आऊंगी, यही रास्ते में उतार दूंगी तेरे को। स्कूटी का नंबर भी नहीं है, ट्रिपल लोडिंग प्लस लाइसेंस भी नहीं है। अबे यार शुभ शुभ बोल, तेरे को 100 बार बोल चुकी हूँ। कल फिर क्या पहन गया हूँ बता, अगर तू सूट पहनेगी तो कल मैं कुर्ती डाल के आऊंगी। क्लासेस रेगुलर डे में कहाँ हो रही है? अब तो नहीं होंगी, उसमें लास्ट वाले महीने में छुट्टी पड़ जाएंगी रेगुलर वालों की। मेरी दोस्त को छोड़ दिया है
और इसको पीछे बिठा के लेके जा रही हूँ और इसने हेलमेट भी नहीं पहना। अरे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था नीचे इसलिए मैंने तुम्हें मना करा। तो फिर गाइज अब हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और हुआ क्या, इसने मुझे कहा लेफ्ट हैंड साइड से चल, जब हम कन्हैया नगर के वहां से आ रहे थे। मैंने कहा पुलिस हो सकती है वहां पे, होती है पुलिस। इसने बोला नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी, मैं वहीं से ही आया हूँ। और इसने मेरे से झूठ बोला, वहां पर पुलिस थी और उन्होंने हाँ अबे यार तू मत डरा भाई प्लीज, हाथ जोड़ रही तेरे से। अरे पुलिस के नाम से इतना क्यों डरती है भाई, ये इसको बहुत डर लगता है, पुलिस वाले रोकेंगे भी तो कुछ नहीं बोलेंगे। अभी रोका ना उन्होंने, इसने जानबूझ के ना वहाँ पे मेरे को बोला कि पुलिस नहीं है, इसने मेरे को झूठ बोला वहाँ पे पुलिस थी ताकि हमारे वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। और मैं भी चलाकू भाई, अगर इसने ऐसे मेरे साथ करा तो मैं क्यों वीडियो शूट करूं। इसने जानबूझ, अब मेरी पुलिस मतलब पुलिस मेरी स्कूटी ले जाती, टो कर लेती, कुछ कर लेती, तो भाई मेरा जाता ना जो जाता, इसका थोड़ी कुछ जाता। दो तीन हजार रूपए मेरे पास तो एक रुपया नहीं है अभी, ऐसे भी तो उससे मांगो ना जो अमीर हो। बदतमीज लड़का, तो क्या कहना चाहते हो? चला मैं रही हूँ, थकी हुई मैं हूँ। अच्छा आँख में धूल आ रही है, पीछे बैठ के देखो भाई, अभी ना मैं चलाऊंगा इसकी स्कूटी। ये रे मेरे हाथ, तेरे सामने हाथ जोड़े, जब तक नंबर नहीं आता जब तक मेरी पास आरसी नहीं आती तू मत चला मेरी स्कूटी, तेरे पे भरोसा नहीं है मेरे को। इसके पास लाइसेंस नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, दूसरा चलान हेलमेट नहीं है। गलती किसकी, वो तीसरे वाली गलती तुम्हारी है, तुम्हारी है भाई, तूने नहीं लाए, तेरे को लेके आना चाहिए। अच्छा मुझे लगा वहीं से वापस आएगा, वहाँ से मिल मुला के घूम फिर के खा पी के तू वहीं से मेट्रो से चला जाएगा। अभी मैं चलाऊंगा ना, तेरे लाइसेंस का तो बचेगा। बाल धो अपने, बाल से बहुत प्यार है भाई, बाल से कटवा के छोड़ूंगी। और ये बात ना मैं सबके सामने बोल रही हूँ, अगर मैंने इसके बाल नहीं कटवाए ना मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम अम्मू नहीं, जो भी लोग बोलेंगे ना मेरा नाम वो हो जाएगा, पर मैं इसके बाल कटवा के रहूंगी, या तो इसके बाल या तो मैं। अच्छा ऐसी बात, हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर बाल कट गया अच्छा अच्छा तो मैं बात करना छोड़ दूंगा। जा फिर, तूने जाना तो जा, ठीक है भाई, दे जो 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 भाई, मतलब बीच रास्ते में छोड़ करके देख रहे हो। हाँ तुम्हारी ना मेरा इतना एटीट्यूड कहाँ से आया तुम्हारे पास, मार मार अभी तेरे को मारूंगी इससे। अभी राइडर नहीं बनी हो, बनने में टाइम लगेगा बेटा, ठीक है मेरी जैसा। सुन ना देख, तू बाइक पे होगा और मैं स्कूटी पे होंगी तो उसका तो पहली बात कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, या तो तू भी स्कूटी पे आ मैं भी स्कूटी पे आऊँ तब देखेंगे। गाइस अब मेरे को नींबू पानी पीना था, रुके हैं नींबू पानी पीने के लिए, और ये रहा नूबड़ा, जिद करी जा रहा मैं चलाऊंगा तेरी स्कूटी, और ये स्कूटी की चाबी है, इसको मैं दूंगी नहीं कुछ भी हो जाए, मेरे नेल टूट जाएंगे, मेरे नेल टूट जाएंगे, कितना हो गया टोटल शूट कर दूं तुम्हें। ओह शर्मा गए दोनों, देखिए शर्मा गए दोनों, प्लीज बनाने दो ना, आप बहुत प्यारे हो भाई। भाई तू पागल है क्या, तू मेरी स्कूटी तड़वाना है अभी ना, तेरे तेरे को ऐसी भुजिया बनाती ना अगर मेरे स्टैंड को भी कुछ हो जाता तो। स्टैंड इनसे ऊपर होता नहीं, स्कूटी चलाएंगे। राइडर रहा तू, राइडर को 10 दिन और वेट कर लो, 10 दिन बाद बताऊंगा तुम लोगों को। ठीक है ठीक है, खा रही हो, चल चल चल। गाइस ये मैंने जिम के लिए कुछ सामान लिया था, बस वो एक्सचेंज कराने जा रही हूँ। तो गाइस आज बहुत मजा आया एवीएस को, मेरे कॉलेज में गार्ड से डांट पड़ी और ये सब रोने भी लग गया, मतलब बहुत मज़ा आया, मैंने उसको रोते हुए देखा, असली आंसू आए उसके, थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि वो गार्ड ने थोड़ा सा ज़्यादा उसको डांट दिया था। और बट चलो कोई बात नहीं, आगे से कॉलेज आएगा तो ध्यान रखेगा। बाकी मैंने बात करवा दी थी गार्ड से, गार्ड ने बाद में उसको प्यार से बोल दिया था कि सॉरी मैंने ज़्यादा अगर आपको डांट दिया हो, मैंने बोला गार्ड भैया को कि आप मतलब ऐसे उसको डांट रहे हो, आज तो आया नहीं कभी इसलिए उसको पता नहीं था। बाकी तो चलो ठीक है, वो सारा कुछ ये भी चुप हो गया था बाद में। और अब हम लोग यहीं पर ये व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप लोग मुझे बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आगे कैसा व्लॉग चाहिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।